हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आयुष्मान कार्ड के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कितनी सैलरी वाले बना सकते हैं, है ना, आयुष्मान कार्ड। और जाने 2023 में ऑनलाइन कार्ड बनाने का सबसे आसान तरीका। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और फ्रेंड्स का शेयर कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और ये बहुत बड़ी अपडेट है आपके लिए। तो देखिए, एक तरफ जहाँ भारत वैश्विक रूप से आगे बढ़ रहा है, तो वहीं हमारे देश में एक तबका ऐसा भी है जो आर्थिक रूप से पिछड़ा है, जो जीवन यापन करने भर का धन तो कमा लेते हैं, मगर जब इलाज की बात आती है तो महंगे अस्पतालों में उपचार मिल पाना संभव नहीं हो पाता है। ऐसे लोगों के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की का ही एकमात्र सहारा होता है। ऐसे लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका नाम है आयुष्मान भारत योजना। तो ये आयुष्मान भारत योजना ऐसे लोगों के लिए है जो अपना इलाज नहीं करा पा रहे बड़े बड़े अस्पतालों में, जिनकी क्या कहते हैं, फीस ज़्यादा है। इस योजना को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है, जिसके अंतर्गत बनने वाला आयुष्मान कार्ड आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के परिवार को सालाना 5 लाख तक का मुफ्त में स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलता है। आइए जानते हैं आयुष्मान कार्ड कैसे बनाएं। ठीक है, आप वीडियो को एंड तक देखिए और समझिए। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना क्या है एक्चुअल में? तो आयुष्मान भारत योजना क्या है? आयुष्मान भारत योजना ये बताती है कि यह प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है, जिसके अंतर्गत पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं। इस कार्ड के माध्यम से पात्रों को किसी भी सरकारी व प्राइवेट स्कूल में 5 लाख तक का मुफ्त इलाज होता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 17.69 करोड़ लोगों का कार्ड बनाया जा चुका है। केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि इस योजना का लाभ 50 करोड़ लोगों तक पहुंचाया जाए। आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ नरेंद्र मोदी सरकार ने वर्ष 2018 में किया था। तो देखिए, 2018 में इसका आयोजन किया था, है ना, बहुत अच्छी बात है ये। सरकार का दावा है कि यह योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। अगर आप भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसके लिए आप भी अप्लाई कर सकते हैं। आप अप्लाई कैसे करेंगे और आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? तो आप एलिजिबिलिटी क्या है, देखो, केंद्र सरकार ने आयुष्मान कार्ड के लिए पात्रता निर्धारित की हुई है। ऐसे परिवार जिनमें 16 से 59 वर्ष की आयु का भी कोई व्यक्ति नहीं है। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड उन्हीं लोगों का बनता है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, खासकर जो मजदूर किसान हैं, छोटे कामगारों जैसे नाई, माली, धोबी, दर्जी, मोची और अन्य मेहनत कश मजदूर हैं। इसके अलावा जो लोग कच्चे मकान में रहते हैं, जिनकी फैमिली में कोई कमाने वाला नहीं है, जिस परिवार का मुखिया विकलांग है, ऐसे तमाम कैटेगरी बनाई गई हैं। सबसे खास बात यह है कि ऐसे लोगों का नाम वर्ष 2011 की जनगणना लिस्ट में दर्ज है। भाई मेन बात बता दूं आपको मैं, जो सबसे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, सबसे ज़्यादा जो लोगों को प्रॉब्लम आ रही है ना, वो ये है कि 2011 की जनगणना में लिस्ट में नाम, तो जनगणना में अगर आपका नाम है तो हो जाएगा, वरना आपका गलती से भी नहीं हो सकता, है ना, वरना कोई नहीं करा सकता, वरना मोदी जी भी नहीं करा सकते अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं है तो, जिसके आधार पर सरकार योजना का लाभ देती है। हालांकि 2018 में भी लिस्ट में कुछ संशोधन किए गए थे। योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन जाकर आयुष्मान कार्ड बनवाया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप अगर कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, कुछ भी समझना चाहते हैं, तो आप 14555 पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात समझ में आई हो और वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखिए, इसके बाद आयुष्मान कार्ड का लाभ किसे नहीं मिलेगा? तो देखो, जिनकी सैलरी 10,000 से अधिक है, 10,000 से अधिक है ना उनकी सैलरी, तो 10,000 से अधिक है तो वही चीज़ होगी भाई, 12 महीने में कितने हो गए, 1,20,000 हो गए। तो अगर आपके आय प्रमाण पत्र में इतनी है तो आप नहीं उठा सकते इसका लाभ। ठीक है, उसके बाद जिनके पास 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, भाई आपके पास अगर व्हीलर्स हैं तो आप इसका लाभ नहीं उठा सकते, आपके पास ये बड़े बड़े अगर व्हीलर्स हैं। उसके बाद में हम देखें, अगर आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड है और उसकी लिमिट 50,000 तक है तो भी आप एलिजिबल नहीं हैं। जिनके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 50,000 है तब भी वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो एलिजिबल इतने नहीं हैं। अब कैसे बनवाएं? तो कैसे बनवाने के लिए बहुत ही अच्छा सवाल है भाई, कैसे बनवाएं? तो आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए किसी भी आवश्यक दस्तावेज की जरूरत नहीं है। आयुष्मान कार्ड बनवाना बहुत ही आसान है। इसके लिए आप अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि सीएससी सेंटर होते हैं ना, वहाँ पर जाकर बनवा सकते हैं। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो सबसे पहले इस वेबसाइट www.pmjay.gov.in वेबसाइट को अपने ओपन कर लें और उसमें दिए गए विकल्प MI एलिजिबल पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही वेबसाइट पर मोबाइल नंबर और कैप्चा भरने का ऑप्शन मिलेगा। विकल्प को भरने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, है ना, नंबर पर जैसे OTP आएगा, OTP डालने के बाद राज्य के बारे में पूछा जाएगा और फिर नेम वगैरह पूछा जाएगा, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। प्रक्रिया को पूरा करते ही आपको पता चल जाएगा कि आपका आयुष्मान कार्ड के लिए योग्य है या नहीं है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी ही वीडियो के लिए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। सो गुड बाय गाइज़।